कई युवाओं के चेहरे में मुस्कान बिखेरने वाला है। सरकार ने तैयारी कर ली है, चुनाव के पहले युवाओं के चेहरे खिलने वाले हैं। कैसे, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। योगी सरकार युवाओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के युवाओं को हाईटेक बनाने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। बहुत ही जल्द युवाओं को सरकार की तरफ से टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिसको लेकर कैबिनेट की तरफ से हरी झंडी भी मिल गई है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार युवाओं को तकनीक से जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को उद्गत किया है और ये बहुत खुशी की बात है कि लोगों को टैबलेट और जो आधुनिक फोन है, स्मार्टफोन वो उपलब्ध कराए जाए, ये बहुत खुशी की बात है। मैं समझता हूँ कि ये लोगों के करियर बनाने में और तमाम तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं जो टैबलेट से और स्मार्टफोन से अचीव की जा सकती हैं। योगी सरकार इसी महीने से छात्र छात्राओं को मुफ्त में टैबलेट और स्मार्टफोन देगी। इस योजना के लिए हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में एक टीम बनेगी, जो जिले में चिन्हित शैक्षणिक संस्थानों से छात्र छात्राओं का चयन करेगी। युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन को जैम पोर्टल के माध्यम से खरीदा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और अब बहुत जल्द युवाओं के हाथों में लैपटॉप और स्मार्टफोन होंगे।